एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा। परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राजा के सैनिक फतेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंप कर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राजा की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रखता था। सप्ताह में एक बार वो उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार इस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता है कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास है। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है? सेनापति से रहा नहीं गया, उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो ये बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, ये प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभा सदस्यों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभा सदस्यों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ, जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़े को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है, तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। अहम भावना का वह अनुचित तथा उग्र रूप जिसमें मनुष्य अपने बुद्धि बल सामर्थ्य आदि को बहुत अधिक महत्व देता हुआ दूसरों को अपने सामने तुच्छ या नगण्य समझने लगता है, यही अहंकार है। सीख किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पानी चाहिए।